आजाद कश्मीर में बिजली की तरसील का बोगस निजाम सार्फिन के लिए दर्द-ए-सर बन चुका है, जबकि महंगे बिजली के बिलों की अदायगी के साथ वोल्टेज की कमी और इजाफे से सार्फिन का लाखों का नुकसान मामूल ठहरा है। बिजली तरसील तो बाद में, पहले तो बिल इतने ज्यादा आ जाते हैं, कौन अफोर्ड कर सकता है कौन नहीं। उसके अलावा बिजली जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अप्लायंसेस लाखों की, इतनी एक्सपेंसिव अप्लायंसेस जल जाती हैं, उसके अलावा इनको जब कॉल करते हैं ये भी नहीं आते। फिर बिजली अचानक से हाई वोल्टेज हो गई है, ये लोगों के काफी सारे नुकसान हुए हैं। बिजली वालों को कंप्लेन ऑफिस पे कॉल की है, उन्होंने शिकायत दर्ज तक नहीं की। बिजली से मुतालिक अवामी शिकायत भी कई दिनों तक हल तलब रहती है, तो महकमा वर्कियात के शिकायत मरकज के अमले और आवाम के माबेन तू तकरार भी आम हो चुकी है। डबल बिजली ट्रांसफार्मर से आई है 440 वाट की, तो वायरिंग जो है शॉर्ट हो गई है, जल गई है, टीवी जल गया है। एक्सीएन साहब, एसडीओ साहब सबको रब्ता कर चुके हैं, नुकसान के लिए हमने उनको पूछा है, वो कहते हैं जी कि नुकसान का क्या है, चीजें जलती रहती हैं, आप जाके अपने घर की वायरिंग चेंज करवाएं और नुकसान का हमसे कोई लेना देना नहीं है। बिजली की वोल्टेज की कमी और इजाफे से होने वाले बरकी आलात के नुकसान के अजाले के लिए महकमा बरकियात की जानिब से कोई निजाम भी वजह नहीं किया जा सका है। बिजली की तरसील के बोगस निजाम के बायस शहरियों के बरकी आलात के होने वाले नुकसान के अजाले के लिए कानूनी चाराजोई का भी ऐलान किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकी हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।